इस एपिसोड की शुरुआत भाई इस स्ट्रीमर से, जो कि भाई अपने गाउचे के पीछे निकल गया था भाई स्ट्रीम करने के लिए, और अभी रास्ते में यहाँ पर है और ढेर सारे कल्टीवेटर ने उड़ते हुए जा रहे थे। ये भी देखते हो इस गेम के जो एनपीसी है ना कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, कितना अच्छे से उड़ते हैं। मुझे तो एक कभी चेहरा भी यहाँ तक कि दिखाई नहीं दे रहा सामने से लाइव में। अभी बंदे लोग कहते कम ऑन यू कैन डू इट, ये कर दो वो कर दो, यू आर द बेस्ट स्ट्रीमर, ये वो ये खुश की वाह। मिलिटली अभी गाउचे ने मेरे लाइव में है भी नहीं तो भी ना इतना सारे लोग यहाँ पे देखे जा रहे, गाउची आ गया उसने लड़ाई कर दी तो सोचो यहाँ पे क्या होने वाला है। और तभी खुश था कि गाउचे में यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन उतने में ना जमीन ऐसा कांपने लग जाता है, क्रैक होने लग जाता है। वो जो वुल्फ किंग यहाँ पर ना वुल्फ किंग भाग के बेसिकली यहाँ पे आ चुका था, तो चैट में सब लोग गालियाँ लिखने लग जाते हैं कि मम्मी रे ये क्या है, फक 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 फक। तो पीछे से अपना गाउचे भी आ रहा था लड़ाई करने के लिए, जो देखते लड़का भी कहता है यस ये हुआ ना, विलेन भी आ गया और हीरो भी आ गया। तो चैट में सारे बंदे कहते ये देखो हमारा हीरो गाउचे, लड़कियाँ कहती भाई मेरा बाबू की गाउचे आ गया, फाइट कर दो मार डालो ये कर दो वो कर दो। और ये जो लड़का था ना पत्थर के पीछे छुप जाता कि ये हुई ना मजा, विलेन आ गया सामने सीरो आ गया, फायर का स्ट्रीम करता हूं, फिर यहां पे लाखों व्यूज आएंगे और करोड़ों का सुपर चैट यहां पर आएगा। जो वुल्फ यहां पे था ना वो आइस पिलर का हमला करते हैं, ढेर सारे आइस के पिलर से हमला करते हैं, तो ये स्ट्रीमर जाता है हिल की मम्मी रे यार इतने सारे हमला एक बार में गाउचे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन गाउचे सारे के सारे हमला यानी सारे आइस पिलर को ना कंट्रोल करने लग जाता है और कहते हैं कि भाई किसी भी चीज से हमला करो चलेगा, लेकिन पानी और बर्फ तो बिल्कुल भी यूज मत करना। देखो पानी को कंट्रोल कर सकता है और बर्फ भी ना पानी से यहां पे बनता है, तो उसी पिलर को लेकर ना वापस से वुल्फ पे मार के वुल्फ की बैंड बजा देता है। तो पब्लिक लिखना चालू कर देती है ओ माय गॉड गाउचे तो कितने कमाल के हैं, ये हैं वो हैं। जो लड़का था ना वो भी देख के चौंक जाता है कि मम्मी रे भाई दूर से देखने से लड़ाई इतना कमाल का लग रहा है, मन तो कर पास से जाकर रिकॉर्ड करूं, फिर तो भाई और भी ज्यादा व्यूज यहां पर आएंगे, ये पास बढ़ने लग जाता है। लेकिन अपने आप बॉडी ना इसकी जो बॉडी इससे कंट्रोल के बाहर यहां पे चल जाती है, अपना बॉडी हिला ही नहीं पाता, ये भी हिल जाता है ऐसे कैसे। तो नोटिस करते गाउचे सामने से मुझे यहां पे देख रहा है, ये शोर गाउचे मुझे रोक रहे क्या अपने आगे बढ़ने से? हां तो गाउचे सच्ची में रोक रहा था कि भाई जो लड़ाई है ना बड़ी इंटेंस होने वाली है, तो दूर से रहकर स्ट्रीम यहाँ पर रिकॉर्ड कर, पास में यहाँ पर आया तो वैसी बैंड यहाँ पे बज जाएगी, तो दूर से ही रिकॉर्ड करना चालू करते स्ट्रीम में। देखते कहते हो माय गॉड ये मेरी और यहाँ पे देख रहा है, हमारी शादी हुई अगर हमारे बच्चे हुए तो कितने कमाल के हुए। हाँ इसी ढेर सारी बातें उसमें लोग लिखे जा रहे और चैट में लोग ये भी लिखते कि भाई यार दूर से मजा नहीं आ रहा और भी पास में जा भाई, हमको और पास से यहाँ पे देखना है। तो ये भी लड़का रोता है, कहता है अरे मैं नहीं जा सकता, गाउचे ने खुद मुझको यहाँ पर रोक दिया, मैं अपनी इस जगह से हिल ही नहीं सकता। तो चैट में ये लिखते हो माय गॉड मतलब तुमको जमा भी सकते हैं, लड़कियों तो यहाँ तक ये भी लिख देते कि अरे यार ऐसी बात है हमको जमा हुआ जमा जमा के पेल के पेल पाल के खत्म कर दो यार, छिनाल लड़के अभी चैट में चैट यहाँ पे कर रही है। दूसरी ओर गाउचे ने नोटिस कर दे कि हाँ जो वुल्फ किंग एक अटैक सबको यहाँ पे मरेगा नहीं, सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो वुल्फ का पावर बढ़ के ना 47 लेवल पे चला गया। गाउचे भी देखता हाँ टाइम टू टाइम इसकी पावर यहाँ पे बढ़ रही है, पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि 47 पे भी चला गया, यार मेरे पास यही मौका है मुझे अभी इसको जहाँ से मारना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा हाई लेवल पे चल जाएगा ना तो भाई मुझे भी हराना दिक्कत दे देगा। और तभी जो वुल्फ किंग यहाँ पे था ना अपना वाइंड की एबिलिटी यूज करता है, और वाइंड यहाँ पे देखो ठंडी वाली एरिया में तो जो वाइंड यहाँ पे चल रहा ना वो कोल्ड वाइंड यहाँ पे था, उससे भवंडर तैयार करने लग जाता है, एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे भवंडर, और सारे भवंडर के साथ एक बार में हमला करने को तैयार था। अपना गाउचे भी नोटिस करते वाह मेरे पास वाटर की पावर है और ये वाइंड की अपनी पावर यहाँ पे यूज कर रहा है, तो आ जा बेटे मैं भी देख लूँ तेरा ये जो वाइंड का पावर ज्यादा बढ़िया है या जो मेरा यहाँ पे वाटर का पावर है ना ये ज्यादा बढ़िया है। तो जैसे वाइंड से हमला यहाँ पे करते ना गाउचे पे असर यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जो भी वाइंड इसके पास आ रहा था ना सारा का सारा वाइंड है ना इससे टच ही नहीं होता, जैसे इसके पास आता है ना मोड़ के किसी और एरिया में ऐसा घूम जाता है। जो देखते ही सामने इससे भाई वुल्फ हिला का हिला रह जाता है कि मम्मी रे ये ऐसे कैसे, यहाँ तक कि क्वेन भी देख लेती है वो भी कन्फ्यूज कि हाँ यार ऐसे कैसे, यहाँ तक कि मैं क्या जो आंटी है ना भाई आंटी जियंग वो भी यहाँ नहीं कर सकते, फिर लीडर गाउचे ने ऐसा कैसे यहाँ पे कर दिया। गाउचे ने यह किया इसके पीछे का दो रीजन है, पहला वाटर, इसने वाटर के उसके ना उसको भी हल्का सा वाइंड को मैनिपुलेट करके डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दे भाई, वो वाइंड है वाइंड के अंदर भी है ना ये वाटर का भाई हल्का हल्का सा रहता है, और सेकंड इसके पास ना वर्ल्ड एफिनिटी का भी प्लस वन पॉइंट है, यानी वर्ल्ड के बारे में इसको काफी ज्यादा अच्छा खासा नॉलेज अब मिल चुका है। और अब जो वंडर वंडर यहाँ पे था ना अब उसको अच्छे से कंट्रोल करके उसकी धजिया उड़ा के साइड में फेंक देता है, और यहाँ पे जो वुल्फ जोर से चलाते कि नहीं तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं वो इंसान की भाषा में नहीं चलाता वो अपनी भाषा में चलाता, हमको बस राइटर ने बताया वो ये चलाता कि मेरे सच कोई वर्ल्ड को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, तो और वर्ल्ड को ऐसा कंट्रोल करके गाउचे की ओर भेजता है, गाउचे सोल्ड लेकर सारे जो भी वाइंड वाइंड ना वाइंड की बैंड बजा देता है। लेकिन वुल्फ अभी भी हार नहीं मानता, जैसे टाइम टू टाइम उसका लेवल अप हुआ जा रहा था ना, लेवल 47 पहले था अब लेवल 48 हो जाता है, तो गाउचे भी नोटिस करते कि अरे यार मैं लड़ाई भी किए जा रहा हूँ तो भी इसका लेवल यहाँ पे रुकने के बदले और बढ़ते जा रहा है, सॉल जेड इसकी बॉडी में पक्का सॉल जेड है, जब तक सॉल जेड को यहाँ पे नहीं ना निकालूंगा जब तक ये बढ़ते रहेगा, जैसे मैंने चेन को एक अंदर से सॉल जेड निकाल के कमजोर कर दिया था वैसे इसके अंदर से भी निकालने को तैयार हूँ। तो लोकेशन फंड कहते कि भाई कहाँ है, तो उसकी बॉडी में सॉल जेड लोकेट ही नहीं होता, ये या नहीं यार, लेकिन अगर नहीं है तो भैया इतना पावर इसका
कैसा बढ़ा और ये बढ़ते कैसे जा रहा है, उतने में एक बुलफिंग को अच्छा खासा मौका मिलता है और अपने गाउचे के ऊपर अटैक यहाँ पे कर देता है, जिससे गाउचे भी पूरा कोशिश करता है डॉच करने का, डॉच कर भी लेता है, लेकिन हल्का सा जो ऐसा ईविल या डार्क ऑरा यहाँ पे था ना वुल्फिंग वाला, वो गाउचे की बॉडी पे आ जाता है, बॉडी में इफेक्ट होने लग जाता है। तो गाउचे भी नोटिस करता है, शीट पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन अफेड कर रहा है, जिससे मेरी एचपी धीरे धीरे काफ़ी कम हो रही है। क्यूएन भी देखकर डर जाती है, शीट भाई अंकल गाउचे की बॉडी के अंदर भाई घुस गए, आप सामने से क्या होगा। हाँ तो गाउचे ना यार आई डोंट नो, शायद अपना लेवल अप करता हो, करता तो भाई कितना करता वो हमको दिखाने गया, वो चौथे रैंक के पहले लेवल पे था, तो अब शायद चौथे रैंक के दूसरे लेवल पर आता होगा, जिससे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है। जो देखते क्यूएन भी कहती भाई मैं ही गद्दी की बच्ची थी, मैंने कैसे सोच लिया कि भाई अंकल गाउचे को कुछ हो जाए, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। उतने में आसमान में अजीब सब ये होता है, रिएक्शन होता है, बेसिकली आसमान में ना मून अपीयर हुआ था जो कि रेड कलर का था ऐसा। जो देखते क्यूएन भी कन्फ्यूज की भाई ये क्या हो रहा है, वो जो लड़का स्ट्रीम यहाँ पे कर दे वो भी कन्फ्यूज की भाई क्या हो रहा है, आसमान से एक बड़ी अजीब सी आवाज़ यहाँ पर आती है, जो आवाज़ से ना इन सबको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। अपना गाउचे देखता है और कहता है अच्छा इसको कहते हैं ईविल मून इनकारनेशन, यानी जो पावर वावर उसको मिल रही है वुल्फ को, जिससे उसका लेवल वगैरह भी हो रहा है, वो किसी जेड स्लीप से नहीं बल्कि जो ईविल मून आसमान में ना उसके द्वारा यहाँ पे हो रहा है, और चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म, तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।